हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, यह वीडियो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पांचवा और अंतिम पार्ट है। यदि आपने इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर सी, किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी गई कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ क्या है? राइट आंसर ए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका क्या अर्थ है? राइट आंसर बी, क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस पी का विस्तारित रूप क्या है? राइट आंसर सी, सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ और हानि विवरण का संक्षिप्त रूप कौन सा है? राइट आंसर ए, पी एंड एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई के रूप में क्या निरूपित किया जाता है? राइट आंसर बी, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज गणना में मूलधन को कैसे दर्शाया जाता है? राइट आंसर ए, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की गणना का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए, आई बराबर पी एन आर अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को कैसे दर्शाया जाता है? राइट आंसर सी, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर सी, प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए, लॉस गुणा 100 अपॉन सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ होने पर लागत मूल्य सूत्र क्या है? राइट आंसर बी, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत गुणा एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि होने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर डी, 100 माइनस लॉस प्रतिशत अपॉन 100 गुणा सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर डी, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ राशि क्या है यदि आईफोन का क्रय मूल्य 50,000 रुपये है और बिक्री मूल्य 70,000 रुपये है? राइट आंसर सी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिवहन शुल्क के रूप में 50 रुपये के साथ 1,150 रुपये में
खरीदी गई कंप्यूटर टेबल के लिए लाभ 5% है, तो बिक्री मूल्य क्या है? राइट आंसर डी, 1260 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रोडक्ट 72 रुपये के लाभ के साथ 572 रुपये में बेचा जाता है तो लागत मूल्य क्या है? राइट आंसर ए, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 वोल्ट का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? राइट आंसर सी, 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 208 रुपए के लाभ के साथ क्रय मूल्य 7282 रुपए हैं तो विक्रय मूल्य क्या है? राइट आंसर डी, 7490 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित ब्याज क्या है? यदि मूलधन 12,000 रुपये है तो परिपक्वता राशि 15,600 रुपये हो जाती है। राइट आंसर बी, 3,600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमा की गई मूल राशि क्या है? यदि परिपक्वता राशि 25,000 रुपये की हो जाती है और ब्याज 6,000 रुपये अर्जित किया। राइट आंसर बी, 19,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित ब्याज क्या है? यदि मूलधन 12,500 रुपये के लिए परिपक्वता राशि 17,500 रुपये हो जाती है। राइट आंसर सी, 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये की जमा राशि और 500 रुपये के लिए अर्जित साधारण ब्याज के लिए परिपक्व राशि क्या है? राइट आंसर बी, 5,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1,00,000 रुपए की मूल राशि के लिए साधारण ब्याज क्या है? राइट आंसर डी, 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80,000 रुपए की ऋण राशि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज क्या है? राइट आंसर ए, 16,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30,000 रुपये का मूलधन और 7% प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज 4,347 रुपये है तो चक्रवृद्धि राशि क्या है? राइट आंसर डी, 34,347 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज राशि के बीच कितना अंतर है? राइट आंसर सी, 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता राशि क्या है? राइट आंसर बी, 22,050 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष बाद 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
राइट आंसर सी 10,123.2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन इंजीनियर द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया जाता है? राइट आंसर सी मार्क मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबुक क्या है? राइट आंसर बी संदर्भ कार्य का प्रकार या निर्देश का अन्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान के लिए दरों की किस मानक अनुसूची पर विचार किया जाना है? राइट आंसर डी चालू वर्ष की दरों की मानक अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अनुमान क्या है? राइट आंसर ए जब एक अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम अनुमान क्या है? राइट आंसर सी एक अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य या प्रक्रिया पर विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किन मुख्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? राइट आंसर सी सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची प्रकाशित करता है? राइट आंसर डी सरकारी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुकलेट का नाम क्या है जहां विभिन्न शर्तों की दरें इंगित की गई हैं? राइट आंसर डी मूल्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम गुणवत्ता के ग्रेड, करंट और वोल्टेज की रेटिंग आदि के विवरण के लिए शब्द क्या है? राइट आंसर बी सामग्री की विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है? राइट आंसर ए सामग्री के आकलन और कार्य के निष्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट संदर्भ का दूसरा शब्द क्या है? राइट आंसर बी हस्त पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल लागत क्या है? राइट आंसर सी कच्चे माल की लागत और मशीनिंग लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन में उपयोग किए जाने वाले एल्युमिनियम तार का न्यूनतम अनुमेय आकार क्या है? राइट आंसर ए 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान की लागत कौन तैयार करता है? राइट आंसर सी अनुमानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनिंग आकलन सीट में कौन सा शामिल है? राइट आंसर सी कच्चे माल की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन और आधा कोर केबल के लिए कंडक्टर का न्यूनतम अनुमेय क्षेत्र क्या है? राइट आंसर बी 50 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे विश्वसनीय अनुमान कौन सा है? राइट आंसर डी, विस्तृत अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम की वस्तु के लिए विस्तृत विनिर्देश क्या बताता है? राइट आंसर ए, गुणवत्ता, मात्रा, कारीगरी, विधि क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है? राइट आंसर बी, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 केवी लाइनों के लिए कौन से केबल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, अतिरिक्त सुपर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य विनिर्देश के अलावा कौन सा विनिर्देश है? राइट आंसर सी, विस्तृत विनिर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की गेंद का वजन क्या होगा जिसका आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है? राइट आंसर बी, 1875 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के लागत वाले लोहे के आयताकार ब्लॉक का वजन क्या है? राइट आंसर ए, 312 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट में 8 ड्रिल होल व्यास 10 मिलीमीटर और 4 M6 नल के घटक बनाने के लिए कुल अनुमान लागत क्या है? यदि 8 रुपये प्रति ड्रिल किए गए छेद और 12 रुपये प्रति ड्रिल और टेप। राइट आंसर सी, 112 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार ब्लॉक आकार 100 × 80 × 60 मिलीमीटर की मिलिंग लागत का अनुमान क्या है? यदि मिलिंग की लागत 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। राइट आंसर बी, 752 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में कुल वाट क्षमता क्या है? यदि 50 वाट रेटिंग की 2 ट्यूबलाइट, 80 वाट रेटिंग के 2 पंखे, 60 वाट रेटिंग के 2 लाइट पॉइंट, 60 वाट रेटिंग का 1 फैन पॉइंट और 100 वाट रेटिंग का 1 3 पिन सॉकेट है? राइट आंसर सी, 540 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रीशियन और एक हेल्पर द्वारा 2 दिनों में पूरे किए गए किसी विशेष वायरिंग कार्य के लिए कुल श्रेय शुल्क कितना है? यदि इलेक्ट्रीशियन 800 रुपये प्रतिदिन और हेल्पर 400 रुपये प्रतिदिन हो। राइट आंसर बी, 2400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत सहित एक कक्षा के कमरे की पेंटिंग की कुल लागत क्या है? यदि लंबाई का आकार 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। यदि पेंटिंग प्लस सिरे लागत 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। राइट आंसर सी, 17,700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने की कुल लागत क्या है? एक सिस्टम के लिए दिए गए पुर्जों की लागत 1 टीवी हार्ड डिस्क 4500 रुपये, इंटेल i3 मदरबोर्ड 7000 रुपये, SMPS 2500 रुपये, मॉनिटर
6,000 रुपये, कीबोर्ड 1,000 रुपये, अन्य सामग्री लागत, स्विच, यूएसबी केबल आदि 6,500 रुपये है। राइट आंसर ए 2,75,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,000 वर्ग फीट के मकान निर्माण क्षेत्र की कुल निर्माण लागत कितनी है? यदि निर्माण की लागत 2,000 रुपये प्रति वर्ग फुट सामग्री और श्रम सहित। राइट आंसर बी 60 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज में स्थापित एयर कंडीशनर की कुल लागत क्या है? यदि 40 क्लासरूम प्रत्येक एक एयर कंडीशनर, कंप्यूटर लैब 5 एयर कंडीशनर और कॉन्फ्रेंस हॉल 5 एयर कंडीशनर हैं। एक एयर कंडीशनर की लागत 30,000 रुपये स्थापना सहित। राइट आंसर डी 15 लाख रुपये। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।